सुजानपुर के टेम्पू स्टैंड पर ठग बाबा एक औरत को बहला फुसलाकर उसकी बालियां लेकर फरार हो गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए रेणुबाला ने बताया कि वह किसी काम से सुजानपुर गई थी। एक औरत ने उसे कहा कि तुम दुखी हो और तुम्हें एक बाबा से मिलाती हूँ। उसने कहा कि बाबा ने मुझे बहला फुसलाकर मेरी यहाँ बालियां लेकर मेरे हाथ में पत्थर थमाकर रहु चक्कर हो गया। मृत महिला ने प्रशासन से इंसाफ की मांग की। गौरतलब है कि गत महीने पहले भी इसी प्रकार एक ठग बाबा औरत को बहला फुसलाकर उसकी बालियां लेकर रफु चक्कर हो गया था। पुलिस को अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। देखिए पत्रकार लकी सरोज की ये पूरी रिपोर्ट। मैं जानती पी सी माए कदी ही उन्हें मैंने कहा कुड़ी गल सुन तो ही दुखी बड़े है। मैं क्या हाँ जी मैं भाजी दुखी बड़े। एक जनानी ही एक मुड़ा ही मोटरसाइकिल बड़ा 35-40 साल का होना। तो जनानी मैं कहती है भैन जी मैं ही भी दुखी हाँ ये बाबा है। तो बस उन्हें मैं कहता कुड़ी गल सुन। मैं क्या हाँ जी उन्हें मेरे हाथ से बट्टे फुराए दो तो मेरे पता नहीं लगा मेरी बालियाँ किसले ला के लै गए तो मैं कागज़ जहाँ फरा गए जी। ये कमेटी हाल दे लागी है उत्थे फर्नीचर वाली दुकान है एक ते हाँ जी ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਥੇ ਸਾਥੇ ਸਜਾਉਣ ਚਾਹੀਦੀ।